फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे टाइप की स्किन डिजीज़ के बारे में बताना चाहेंगे आपको कि जो कि लगातार जो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। आप दवा खाते रहिए, कुछ दिन सही रहते हैं, फिर थोड़े दिन बाद जो है वो वापस आ जाते हैं। कुछ ऐसे रिंग वर्म, एट्रोपिक डर्माइटिस हो जाते के केस में ऐसे जो खुजली हो जाती है, शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं या पैरों में जो है दाने निकल आते हैं, उनको जब आप खुजला दिए थोड़ा सा पानी निकलता है उससे वो केस लगातार बढ़ता जाता है, वो इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जाता है। तो हम कुछ ऐसे स्किन बीमारियों के बारे में और उसका पूरा इलाज हम बताएंगे, इससे जो है वो बीमारी पूरे तरीके से जो है खत्म हो जाएगी या फिर एकदम से सही हो जाएगी। जैसे उसमें पहली बीमारी की आती है रिंग वर्म, दाद केसों में लगातार 70% पॉपुलेशन में एक केस बढ़ती ही जा रही है। इसका जो है सबसे बड़ा कारण है ना ठीक होने का जो है ड्रग की रेजिस्टेंसी। आप लगातार कई तरीके से का दवा जब इस्तेमाल करते हैं, पहले तो इट्राकोनाजोल 100 mg खा रहे थे, फिर 200 mg, एक प्रकार का क्रीम लगाया नहीं ठीक हुआ, फिर दूसरा क्रीम उठा लाए मार्केट से नहीं ठीक हो रहा है। तो इसके कारण जो है रिंगवर्म की समस्याएं ठीक रेजिस्टेंसी के केस में पहुँचती चली जा रही है। तो उसका हम जो है आपको जो है उसका एक सफल इलाज, आपके इलाज करके परमानेंट इसका जो उपचार कर सकते हैं। इसका कारण क्या होता है, टिनिया कॉर्पोरिस आप लोग जान नहीं रहे हैं। सिम्टम क्या दिखाई देते हैं, लाल चकत्ते, बोले रंग के से लाल चकत्ते पड़ जाते हैं सर्कुलर एरिया में, जहाँ भी जंघों पे, गर्म नमी स्थानों पे, आपके पैरों के पास पे, चेहरे पे भी ये केस हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो है आप इट्राकोनाजोल 100 mg पेटेंट IT mark जिसको कहते हैं वो ले लीजिए, उसको सुबह शाम खिलाइए। इसके बाद फ्लुकोनाजोल 400 mg, इसको दोपहर में केवल 2 दिन के लिए खिलाना है, 2 दिन के लिए फ्लुकोनाजोल 400 mg जो है दोपहर में 2 दिन खिलाइए। इट्राकोनाजोल 100 mg सुबह शाम खिलाना है आपको, लिबोसिट्रिजिन सुबह शाम आपको खिलाना है, और कीटोकोनाजोल साफ जो है इसको जो है लगा के उसको जो है नहाते समय इसी साबुन का आपको यूज करना है। और क्रीम में आप ले लीजिए ल्यूलिकोनाजोल क्रीम, ये जो है जहाँ पे इफेक्टेड एरिया है इसको जो है 2 बार आपको यूज करना है। ल्यूलिकोनाजोल जो क्रीम आता है इसको अफेक्टेड एरिया पे आपको 2 बार यूज करना है, जहाँ भी आपको इन्फेक्शन हुआ है। ये दवा आपका 36 दिन तक चलेगा लगातार। अगर आप लगातार इस दवा का यूज करते रहेंगे तो जो है रिंग वर्म की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और रेजिस्टेंसी से भी आप क्या बनाएंगे छुटकारा। इसी का दूसरा केस होता है एटॉपिक डर्माइटिस। इसमें होता है क्या है कि पूरे शरीर में खुजली हो जाती होने लगती है, छोटे छोटे दाने निकलते हैं, कभी कभी वो बड़े बड़े चकत्ते के रूप में ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है और स्किन में रेडनेस आ जाती है। एलर्जी के कारण इसके कई कारण हो सकते हैं, दवाओं की भी एलर्जी हो जाना, कुछ दवाओं के यूज करने से भी एलर्जी हो जाती है, उसके बाद जो है घमौरिया टाइप का हो जाना इससे भी होती है, डर्माइटिस का केस हो जाना, उसके बाद सोरासिस भी एक्जिमा टाइप का भी हो जाता है। इसके लिए आपका ट्रीटमेंट क्या है, इट्राकोनाजोल 100 mg सुबह शाम इसमें लेना है, लिबोसिट्रिजिन आपको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है, या तो कि लिबोसिट्रिजिन सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। एक दवा आता है मेथिलप्रेडनिसोलोन 8 mg का, इसको सुबह लेना है जो है चाय के बाद।